सो गाइस, इस बैकग्राउंड को पिक आर्टिस्ट में अपलोड करके ऐड फोटो पे जाना है। ऐड फोटो पे जाने के बाद अपने इस पीएनजी को सेलेक्ट कर लेना, अच्छे से लगा लेना गाइस, इसे अच्छे से लगाना। इतना करने के बाद आप इसे डन क्लिक कर लेना। ओके, फिर ऐड फोटो पे जाने के बाद आप अपने मॉडल को सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस, इसे अपने मॉडल को अच्छे से लगा लेना अपने बैकग्राउंड। इतना करने के बाद फिर ऐड फोटो जाके एक शैडो ले लेना यहाँ से, इसे अच्छे से पैरों के पास लगा लेना है और यहाँ पे मूव डाउन कर देना। फिर इसका डुप्लीकेट लेयर क्लिक कर लेना और फिर दूसरे पैर पे लगा लेना है, इसे अच्छे से कर लेना गाइस, लगा के फिर मूव डाउन कर देना। सो इतना करने के बाद फिर ऐड फोटो पे आ जाना गाइस। ऐड फोटो पे आने के बाद एक यहाँ है पीएनजी मेमोरी, इसे लगा लेना। सो गाइस, इसको भी अच्छे से अब लगा लेना अपने बैकग्राउंड। इतना करने के बाद फिर ऐड फोटो पे जाना है, एक और पीएनजी मिलेगी गाइस। इसको भी सिलेक्ट करके अच्छे से गाइस लगा लेना अपने बैकग्राउंड के ऊपर। तो गाइस, इतना करने के बाद फिर गाइस हेड फोटो पे आना है, एक ब्लैक एंड व्हाइट का शेडो और मिलेगा, इससे भी अच्छे से अपने नीचे साइड में अच्छे से लगा लेना गाइस। इतना करने के बाद डन कर देना, उसके बाद भी वो फोर आप कर दो। तो फिर टैक्स पे जाना गाइस, टैक्स पे जाने के बाद आपको ईद मुबारक लिखना है, बकरीद मुबारक लिखना है गाइस। इतना करने के बाद इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद गाइस इस फोटो को सेव कर लेना और ओपन कर लेना लाइटरूम। लाइटरूम में आने के बाद यहाँ पे ऐड फोटो पे जाना है और अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लेना। तो सो गाइस, इसमें थोड़े कलर चेंज करेंगे गाइस, आप लोग भी कर लीजिएगा, मैं भी फटाफट कर लेता हूँ। तो गाइस, कलर ऐड करने के बाद इसे फोटो सेव करने के लिए डीएनए में इसे सेव कर लेना गाइस, आप लोग भी कर लीजिएगा, मैं भी कर लूँगा।